नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनजीटी के बारे में अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से ये न्यायालयी व्यवस्था से जो है भिन्न है, क्योंकि दोनों ही स्तरों पर विभिन्न विवादों का निस्तारण किया जाता है, तो दोनों में क्या अंतर है। उसके पूर्व में हम लोग एनजीटी के स्वरूप, उसकी स्थापना, किस तरीके से उसके कार्य हैं, इसको देखने का जो है प्रयास करेंगे। एनजीटी बेसिकली ट्रिब्यूनल का जो हिंदी रूपांतरण है, जो ट्रिब्यून से बना हुआ है, और यह ट्रिब्यून शब्द जो है यह रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो वहां के कुलीन मजिस्ट्रेट हुआ करते थे काम करने के लिए, उनके निरंकुश व्यवस्था या उनकी जो शोषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस जो है व्यवस्था का उदय हुआ था, ताकि जो है उनके शोषण से लोगों को न्याय दिया जा सके। और वहीं से जो है ट्रिब्यून से जो है ट्रिब्यूनल बन जाता है, जिसका हिंदी रूपांतरण अधिकरण होता है। यानी कि ट्रिब्यूनल जो है किसी विशिष्ट विषय से संबंधित मामलों का निस्तारण करने के लिए विधि द्वारा स्थापित एक ऐसी अर्थ न्यायिक व्यवस्था है जो उस विशिष्ट क्षेत्र से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण करता है। यह परिभाषा और अर्थ है जो है ट्रिब्यूनल का। अब ट्रिब्यूनल में विशिष्ट क्षेत्र जैसे कोई पर्यावरण से संबंधित हो सकता है, कोई जल विवाद से संबंधित विषय हो सकता है, या कोई सेवा से संबंधित मामला हो सकता है, कोई करारोपण से संबंधित मामला हो सकता है। तो इन विशिष्ट क्षेत्रों में, विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित जो भी मामले आते हैं, उन मामलों के निस्तारण के लिए जो है ये अधिकरण की जो है स्थापना की जाती है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि अधिकरण जो है वो किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित मामलों के निस्तारण करने के लिए वो राज्य से भी बनाए जा सकते हैं, केंद्र सरकार के भी द्वारा बनाए जा सकते हैं। अभी हम लोग जो है 323A और 323B के अंतर्गत देखेंगे कि किस प्रकार से जो है दोनों की अलग अलग शक्तियां निर्धारित की गई हैं और व्याख्यायित की गई हैं। तो इस प्रकार से विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित मामलों के निस्तारण करने के लिए विधि द्वारा जो है स्थापित अर्ध न्यायिक व्यवस्था अधिकरण कहलाती है, और इसके निर्णय के विरुद्ध जो है अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरीके से अपील करने की भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो अधिकरण जो है अनुच्छेद 323A और आर्टिकल 323B, इन दोनों आर्टिकल के माध्यम से अधिकरणों का जो है स्रोत अगर देखा जाए तो ये संवैधानिक होता है, किंतु इसके अंतर्गत जो भी एक्ट बनाए जाते हैं पुनः उसमें जो है केंद्र और राज्य के द्वारा जो है अधिनियम बना करके जो है अधिकरणों की स्थापना की जाती है, इसलिए इसका स्रोत जो है संवैधानिक होता है, परंतु जो अधिकरण होते हैं वो सांविधिक हो जाते, स्टेचुरी हो जाते हैं। तो अर्थ के बाद इसकी जो है अगर हम महत्व को अगर देखें तो वर्तमान समय में भारत में जो पारंपरिक और परंपरागत जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर बोझ इतने ज्यादा जो है मामले आ गए हैं कि समय से उसका निस्तारण नहीं हो पाता है। तो इस बोझ को जो है कम करना इनका सबसे जो है पहला उद्देश्य है। लोगों को जो है तीव्र गति से जो है मामला, तीव्र गति से जो है मामले का निस्तारण, तीव्र गति से जो है मामले का निस्तारण। ये जो है इसका उद्देश्य है, और इसी में इसके महत्व भी जो है छिपे हुए हैं कि बोझ को कम करना, क्योंकि वर्तमान समय में जितनी तेजी से जो है मामले जो है लंबित हो रहे हैं, उससे किसी किसी मामले में जो है न्याय आने में इतना समय हो जाता है कि वादी जो है वादी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब उसके जीवन काल में ही उस मामले का निस्तारण नहीं हो पाता है, तो उसके निस्तारण के बाद ये कैसे कहा जा सकता है कि उस मामले में न्याय प्रदान किया गया है। तो ऐसी स्थिति में विशिष्ट मामलों से संबंधित जो है विवाद को निस्तारित करने के लिए आपके अधिकरण और ट्रिब्यूनल की जो स्थापना की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि न्याय में देरी जो है वो न्याय को मना करने के जो है बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में इस अवधारणा को कम करने के उद्देश्य से जो है अधिकरण की स्थापना की गई है। यही इसकी जो है विशेषता और इसका जो है महत्व है। तो अर्थ के बाद हम लोगों ने महत्व देखा। अब इसका जो
संवैधानिक स्रोत, स्रोत जो इसके हैं वो जो है वो संवैधानिक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान के निर्माण के समय अधिकरण के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, किंतु 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जो है माध्यम से, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जो है माध्यम से अनुच्छेद 323A और 323B जोड़ा गया, और इसी के अंदर जो है यह शक्ति प्रदान की गई कि विभिन्न प्रकार के अधिकरणों की स्थापना की जा सकती, इसलिए इसका स्रोत जो है संवैधानिक है। किंतु केंद्र में संसद और राज्य के विधान मंडल के द्वारा जो है अधिनियम बना करके अधिकरणों की स्थापना की जाती है, इसलिए स्रोत इसका संवैधानिक होने के साथ ही इसे जो अधिकरण होते हैं वो स्टेचुरी यानी कि सांविधिक हो जाते हैं, क्योंकि यह संसद और राज्य विधान मंडल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जब कोई अधिकरण जो है, जैसे कैट की स्थापना की गई यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 1 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई, लेकिन यह कैट को जो है अनुच्छेद के माध्यम से संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है, बल्कि यहां से शक्तियां जो है संसद को मिल जाती हैं अनुच्छेद जो है 323A के माध्यम से, और वह जो है अधिनियम के माध्यम से वह ट्रिब्यूनल बना देता है। तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा बना देने के कारण से वो सांविधिक हो जाता है। अगर वो ये कह दिया जाता कि 323A क्लाज 1 में जो है कैट को रखा गया है तो वो संवैधानिक हो जाता, लेकिन यहां से शक्तियां मिलने के बाद वो सीधा बना देता है, कैट को आर्टिकल के माध्यम से संविधान में नहीं रखा गया, इसलिए जो है वो सांविधिक हो जाता है, अधिकरण जो है वो सांविधिक हो जाता है। तो 323A और 323B जो जोड़ा गया, जिसके माध्यम से जो है ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है की जाने लगी। अब यहाँ 323A और B में जो है बेसिकली जो अंतर है, तो 323A और 323B ये दो जो है आर्टिकल हैं, और 323A के अंतर्गत जो है सिविल सेवाओं के क्षेत्र में जो है ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जबकि 323B के अंतर्गत जो है अन्य सभी मामलों में ट्रिब्यूनल बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में सम्मिलित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण जो ट्रिब्यूनल हैं, जैसे कैट को हम लोगों ने देखा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ये जो है 1 नवंबर 1985 को स्थापित किया गया। यह केंद्र सरकार के सेवा और उसके अंतर्गत आने वाले जो विभिन्न प्रकार के निगम हैं उनके सेवाओं से संबंधित विवादों का निस्तारण जो है वो कैट के स्तर पर जो है वो किया जाता है। तो प्रशासनिक मामलों में या सेवाओं से संबंधित जो मैटर्स आते थे उन मैटर्स में देरी ना हो और समय से लोगों को न्याय मिल सके, इसलिए जो है कैट की स्थापना की गई। और एक अधिनियम जो है बनाया गया था पूर्व में, नदी जल विवाद निस्तारण अधिनियम 1956, ये नदी जल के संदर्भ में था, और इसी के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के जो नदियों के जल के प्रयोग को लेकर के दो या दो से अधिक राज्यों में जब विवाद उत्पन्न होता है, जैसे कावेरी नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद, ऐसे ही बहुत सी नदियां हैं जिसके जल को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है, क्योंकि वो दो राज्यों से होकर के बैठती हैं, कई बार दो राज्यों के बीच में जो सीमाओं का निर्धारण होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वहां पे जल के प्रयोग को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है कि कौन सा राज्य कितना प्रयोग करेगा, या कुछ राज्य जिनके पास पहले वो जल प्राप्त हो जाता है वो ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो इन सभी बातों को लेकर के जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है। और वहां पर जो है नदी जल विवाद निस्तारण अधिनियम 1956 बनाया गया है और संसद के द्वारा, और इसी के अंतर्गत जो है कई अधिकरण जो है बनाए गए हैं। तो ये व्यवस्था जो है कि
की गई है जो है कैट के बाद, ये जो नदी जल विवाद के बारे में। और 2010 ईस्वी में पर्यावरण के संदर्भ में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया। ये पर्यावरण से संबंधित जो है कानूनों के परिवर्तन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए, क्रियान्वयन के लिए और पर्यावरण से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के क्षतिपूर्ति के मामलों का निस्तारण करने के लिए एनजीटी बनाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एनजीटी है वो सीआरपीसी 1908 के अंतर्गत जो है इस तरीके से काम नहीं करता। सीआरपीसी की जो व्यवस्थाएं हैं, सीआरपीसी के जो एक्ट हैं, प्रोविजन है, उसके अंतर्गत काम न करके ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है और इसके निर्णय के विरुद्ध जो हाई कोर्ट में अपील किया जाता है जो है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है एनजीटी नदी विवाद अधिनियम और कैट के जो बारे में है। इसके अलावा कई अन्य जो है मामलों में भी अधिकरण बनाए जाते रहे हैं, चाहे वो टैक्स को लेकर के रहा हो या सशस्त्र बलों को लेकर के रहा, ऐसे ही कई जो है अधिकरण जो है बनाए गए हैं जो स्रोत के रूप में इन्हीं से जो है प्राप्त होते हैं और अपना जो है कार्य व्यवहारिक स्तर पर करते हैं। बल्कि इसमें यही होता है कि ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बजाय जो है वो विधि की उचित प्रक्रिया का जो है पालन करते हैं। अभी हम लोग जब न्यायालय ढांचे का अंतर पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये चीज समझ में आएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो अधिकरण थे जो समय समय पे बनाए गए हैं, जिसका कि हम लोगों ने जो है इसमें देखा। अब इसमें हम लोग अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो न्यायालय होता है वो भारत में जो है परंपरागत स्तर पर जो है विवादों के निपटारा करने के लिए हमारी न्यायिक व्यवस्था है और इन न्यायिक व्यवस्थाओं को जो है राज्य और संविधान के माध्यम से शक्ति प्राप्त होता है। दूसरी तरफ जो अधिकरण है वह अधिनियम के अंतर्गत जो है विधि के द्वारा जो है स्थापित किए जाते हैं। तो एक सबसे पहला अंतर तो यही हो गया कि ये जो है संविधान से इनको शक्तियां प्राप्त होती हैं, इसको न्यायालय को। और दूसरी तरफ जो है अधिकरण है, न्यायालय को कहां से प्राप्त होती है, संविधान से शक्तियां प्राप्त होती है। इसी तरीके से अधिकरण को जो है वो विधि द्वारा जो है प्राप्त होता है, यानी कि इसके लिए विधि बनाया जाता है, तभी इसे जो है सांविधिक कहा जाता है और जो है न्यायालय जो है संवैधानिक पूरी तरीके से होता है। तभी इसका स्रोत जो है अगर देखा जाए तो संवैधानिक होता है, क्योंकि जिस शक्ति के अंतर्गत जो है बनाए जाते हैं वो संविधान से ही उसको प्राप्त होता है, लेकिन चूंकि राज्य विधानमंडल और संसद के द्वारा बनाए जाते हैं इसलिए ये जो है सांविधिक हो जाता है और ये विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो है सभी प्रकार के जो है विवादों को, सभी प्रकार के जो है सभी पक्षों और विवादों से संबंधित मामलों का निस्तारण यहाँ किया जाता है, लेकिन यह केवल विशिष्ट जो है मामलों में ही जो है जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसकी सुनवाई करता है। सभी पक्षों का तात्पर्य यह है कि अब यहां पर जो है सैन्य क्षेत्र में जो भी नियम कानून होते हैं वहां पे मार्शल कोर्ट अलग से बनाए जाते हैं, तो उनसे संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं किया जाता। हालांकि वो अति विशिष्ट क्षेत्र होता है, इसलिए उसे अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो है निकालने के बावजूद भी जो है कहा जा सकता है कि न्यायालय सभी पक्षों की सुनवाई करता है, यानी कि किसी भी प्रकार के मामलों की यहाँ पे सुनवाई हो सकती है, लेकिन अधिकरणों में केवल विशिष्ट क्षेत्र की भी सुनवाई होती है। न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है न्यायालय में अपील की जाती है। अपील के अगर फॉर्मेट पर देखें तो, लेकिन अधिकरणों में नहीं जाता है, लेकिन अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध जो अपील है वो न्यायालय में जाया जा सकता है। तो ये भी एक विशेष अंतर है। और दूसरी तरफ जो है न्यायालय स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, पूर्णतया स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन इसकी जो अधिकरण है उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका का जो है थोड़ा सा हस्तक्षेप अवश्य हो सकता है, क्योंकि अधिनियम बनाए जाते हैं, यहां पर जो भी पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है वो कार्यपालिका स्तर से किया जाता है। कार्यपालिका से तो जज भी नियुक्ति की जाती है, लेकिन यहां पर उसकी नियुक्ति में इतने व्यवस्थाएं की गई है कि उसमें हस्तक्षेप की संभावना जो है कम हो जाती। कोलिजियम व्यवस्था होती है, वरिष्ठ के नाम का जो है यहाँ से प्रस्ताव भेजा जाता है और वो प्रस्ताव स्वयं जो है चीफ जस्टिस के पूर्व में जो है चार वरिष्ठ जो है न्यायाधीशों से बने हुए कोलिजियम के द्वारा जो है
आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ की जो है प्रपोजल जो है वो कई स्तरों से होकर के जाता है, इसलिए हस्तक्षेप की संभावना कम और स्वतंत्र रूप से काम करने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पे कार्यपालिका के हस्तक्षेप की संभावना बढ़ती है। और उसी तरीके से जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने भी बताया कि ये जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार काम करता है, और यह जो है वो विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया का ध्यान में रखते हुए काम करती है। अब यहां पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है, जैसे कि अभी हमने बताया कि जैसे आपके एनजीटी अभी अधिकरण पे हम लोगों ने चर्चा किया कि वह जो भी सीआरपीसी या इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उसके द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार काम नहीं करता, बल्कि वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहां पर यह बताना है कि न्यायालय जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, यानी कि जो व्यवस्था नियम बना दिया गया है उसी नियम का यदि उल्लंघन होता है तो उसमें जितने भी दंड देने की व्यवस्था है उतना ही न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर विधि की उचित प्रक्रिया ये कहा जाए कि उसमें औचित्य के जो है मूल्य को ध्यान में रखा जाता है कि किसी अमुक मामले में क्या वास्तव में होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए कहा जाता है। यहाँ की जो न्यायालय व्यवस्था में विधि शास्त्र में जो विशेषज्ञता हासिल किए हुए होते हैं वो एक निश्चित परीक्षा के माध्यम से वहां पर पहुंचते हैं, जबकि जो है अधिकरणों में जो है न्याय के मूल्य और मानकों की जानकारी रखने के साथ साथ जो प्रशासनिक मामलों में जानकारी रखने वाले लोगों को भी जो है रखा जाता है। तो इसी कारण से जो है इसे अर्ध न्यायिक व्यवस्था भी जो है कहा जाता है कि ये अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में जो काम करते हैं। तो ये अधिकरण और न्यायालय के बीच में जो है मूलभूत अंतर होता है। तो इस तरीके से अधिकरण जो है वो न्यायालय की तरह से ही अगर देखा जाए तो विवादों का निस्तारित करते हैं, लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है अलग अलग विषयों पर स्थापित किए जाते हैं और अपने विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित मामलों का ही केवल निस्तारण इन अधिकरणों के द्वारा किया जाता है। इनके माध्यम से न्यायालय के ऊपर बढ़ने वाले बोझ को कम करने का जो प्रयास किया जाता है, लेकिन यह अपने स्वरूप और कार्य में न्यायालय व्यवस्था से कुछ हद तक भिन्न होते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अधिकरण के बारे में हम लोगों ने, उसकी कार्य प्रणाली महत्व के बारे में और न्यायालय से किस तरीके से अंतर है इसको हम लोगों ने देखने समझने का प्रयास किया। पुनः अगले लेक्चर में हम कुछ और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।